बस है और इसका आयोजन करके हम एक महान शिक्षक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी याद कर रहे हैं। भारत को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले डॉक्टर राधा एक महान शिक्षक होने के साथ साथ स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक ओर जहां प्रेसिडेंट्स स्टेट स्थित सर्वोदय विद्यालय के छात्रों और दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों के साथ संवाद किया, तो वहीं देश भर के शिक्षकों का सम्मान भी किया। राष्ट्रपति ने शिक्षकों से कहा कि वो छात्रों में ऐसे मूल्य विकसित करें जिससे देश का विकास हो सके। वी मस्ट ऑलवेज एनकरेज इंडिविजुअल कल्चर, वे ऑफ लाइफ, कस्टम्स एंड सिस्टम्स, because the students will find at home with that, and that is the real strength of this country. देश भर के शिक्षकों को वर्ष 2015 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना हम ज्ञान आधारित समाज का निर्माण नहीं कर सकते। राष्ट्रपति ने साथ ही उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों के विदेश जाने पर भी चिंता जताई। एवरी ईयर मोर देन 60,000 स्टूडेंट्स लीव आवर कंट्री फॉर हायर एजुकेशन इन ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, MITs और हार्वर्ड्स। वी शैल हैव टू मेक दिस फ्लो रिवर्स एंड इट कैन नॉट बी डन ओनली इन द यूनिवर्सिटी स्टेज। The beginning must be made from the primary stage. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मौके पर कहा कि सरकार की कोशिश सबको अच्छी शिक्षा मुहैया कराने की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में शिक्षकों के लाखों खाली पद भरने के साथ साथ आगामी 3 साल में 5 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगी। एजी टू पीजी 27 करोड़ छात्र स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं और ये विस्तार हमने किया है। अब 70 साल हो गए, 70 साल के बाद अब चाहत है क्वालिटी की, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, या अच्छी शिक्षा के लिए, क्वालिटी के लिए अब प्रयास करना है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2015 के लिए कुल 346 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। मुझे बहुत आगे काम करना है, विशेष रूप से जो मेरे क्षेत्र है काम करने के, वो है बालिका शिक्षा, नेशनल इंटीग्रेशन, पर्यावरण और ड्रॉप आउट्स को रोकना। निश्चित रूप से हम भविष्य में इस शिक्षा जगत में बहुत कार्य करना चाहेंगे। मेथड्स, स्पेशली जो टीचिंग मेथड्स हैं, उन पे बहुत काम करना चाहूँगी। हमारा तो सीधा सीधा शिक्षकों से एक ही संदेश है कि जो बच्चे हमारे सामने हैं, अगर केवल हम उनको अपना बच्चा स्वीकार कर लें तो हम उनके सर्वांगीण विकास के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। उत्कृष्ट योग्यता वाले शिक्षकों को सम्मानित करने के मकसद से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुई थी। सम्मानित शिक्षकों को एक मेरिट प्रमाण पत्र, रजत पदक और 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। अनिल पुनिया के साथ निशांत सौरभ, DD News, दिल्ली।